अस्सलाम वालेकुम। अजीम ताजी की जानिब से और मेरी तमाम पार्टी की जानिब से आज फसली गांव में हमारा प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के मशहूर फनकार मुराद हाफिज़ साहब के साथ में आप लोग अगर लाइव देखना चाहते हैं तो कोलार अंसर पाशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम कंटेंट आपको मिलेगा। अस्सलाम। जो मांगा नहीं वो कहीं का नहीं, लाख सजदे करो लाख इबादत करो। जिसके कदमों में हमें जन्नत नहीं मगर वो जन्नत हमें मिलने वाली नहीं। तो हमारे अजीम ताज चिश्ती का ये फेमस कलाम है। इंशाल्लाह हमारे सदर साहब और सलीम भाई भी जहां भी रहे तशरीफ लाए। हमारे नयान भाई माशाल्लाह पूरे कर्नाटक नहीं तमिलनाडु आंध्र महाराष्ट्र तक इनके पहुंचे। सरकार के सबके में जलालुद्दीन बाबा के फकीर शाह के सबके में और भी चार नहीं बल्कि 18-18 36 चांद लग रहा है। ये सबको नजर आ रही है। बेटा बैठ जाओ। नौजवान भाइयों के लिए आपको और हमको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएं। वरना अब जितने बीमारियां हमारे सामने आए हैं बस माँ बाप की दुआ से जो बच गए हैं। अल्लाह और उसके रसूल उसके बाद में माँ बाप की दुआ मुलाकात करें। हाँ बेटा शुक्रिया रिजवान भाई। के गिर्द से खुद को बचाने के लिए माँ हम अपने साथ में तेरी दुआ ले जाएंगे। एक अखबार की सदर साहब बोला भाई हम तो एक अखबार की लिखी हुई तहरीर है। रिजवान भाई हम तो एक अखबार की मान के सामने लिखी हुई तहरीर है जिसको कागज चुनने वाले कल उठा ले जाएंगे। क्योंकि देखो कुरान में शहादत है मोमिनों, देखो कुरान में शहादत है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाकी बंदों के नीचे जन्नत है। चार मिसरे समाप्त कर ले। हेलो हेलो चार मिसरे समाप्त कर ले खास करके मेरे माँ भी मृत्यु भी चांद ना चांद के चांद ना चांद के हाले में मजा आता है, मुझको चाहत के उजालों में मजा आता है आता है। जब भी प्यार से खिलाती है मुझे माँ रोटी उसके एक एक दीवाने में मजा आता है।
घर में उजाला हो गया। समाज कर ले, पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये तर्ज वतन का है, लेकिन मैं इसको इस नसीहत में कंपोजिशन किए। समाज कर ले तवज्जो, कैसे दे रही है फूल खुशियों के मेरे लंबे खिला देती है। जब भी आती है मेरे सर पे मुसीबत कोई, मेरी माँ की दुआ जिसको संभाल लेती है। उजालों का पता देती है, फूल खुशियों के मेरे लम्बे खिला देती है। जब भी आती है मेरे सर पे मुसीबत कोई, मेरी माँ की दुआ जिसको संभाल लेती है। Oh,
सारी इबादत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समा कर ले, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं रसूल खुदा का पयाम है। तवज्जो, ये मेरा नहीं रसूल खुदा का पयाम है, घर माना दूध पक्ष तो जन्नत हराम है। सुभान अल्लाह। घर माना दूध पक्ष तो जन्नत हराम है। पहला शेर शुक्रिया अदा करती है। शेर देखिएगा तवज्जो। दरे रसूल की मिट्टी उठा के ले आऊं, हमारा प्यारा शेर बात है अजीम, बहुत अच्छा। दरे रसूल की मिट्टी उठा के ले आऊं, मैं अपना सोया नसीबा जगा के ले आऊं, मैं अपना सोया नसीबा जगा के ले आऊं, खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरी माँ दरे रसूल की मिट्टी उठा के ले आऊं, मैं अपना सोया नसीबा जगा के ले आऊं, खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। बहन के जानिब से इनकी माँ का सदका मिला है, सदर साहब के हाथों से इनकी माँ बाप का सदका 500 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही प्यारा शेर है, मुझे बेहद पसंद है, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगी। माँ के दिल को तोड़ दे, माँ के दिल को तोड़ दे,
घर से बाहर निकाल पाए उससे नवजी नवजी खाली है उससे खुदा राजी पैसा ही सब कुछ है। अगर माँ बाप का प्यार नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है। सिवाय माँ बाप के प्यार के, माँ की दुआएं के, आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, समाज कर ले। रोजा नमाज इबादत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ, क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी हर तरह से वार करती है। माँ की मोहब्बत देखिएगा, जिंदगी हर तरह से वार करती है, वो ताजा फूल को बिखार करती है। मुझे यकीन है कि मैं हर कदम पे जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए हर रोज दुआ करती है। मेरी माँ मेरे लिए हर रोज दुआ करती है। ऐ मेरी माँ कोई हमसे नफरत करके, जब तक हम रहेंगे या ना रहेंगे तब तक भी नफरत रहेगी उसके दिल में। एक चीज माँ ऐसी है, एक घंटे में गाली देती है और दूसरे एक घंटे में फिर मोहब्बत से हमसे पेश आती है। माँ की मोहब्बत ऐसी है, माँ अगर जितने भी गुस्से में हो कभी अपने औलाद के लिए बदवा नहीं करती। क्या बात है, इसीलिए खुदा पाक माँ की दुआ बेशक कबूल करता है। समाज कर ले शेर पे, माँ
ये ना पूछो अब जिंदगी हमें आसरा चाहिए और तुमको जो चाहिए खुदा से मांग लो ऐ कलीम, हमको बस माँ बाप की दुआ चाहिए, हमको बस माँ बाप की दुआ चाहिए। ये एक कतरा चमड़ी को उतार कर भी माँ बाप के जूता बना दे तब भी एक खतरे पूर का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। क्या बात है, बाप ऐसी चीज है रिजवान भाई। आज अगर हम लोग जो कुछ भी है सब माँ बाप की बदौलत, मौला अली की और वली अल्लाह की फजीलत है। समझे काफी दिन पहले दोस्त सुन रहे थे अमरेश भाई, माशाल्लाह अमरेश भाई, पाशा खान साहब, सदर साहब ये शेर समाप्त करें। हो माँ का रुतबा छोटा समझा
हो।